आयु का सदुपयोग। किसी नदी के किनारे पर एक किसान का खेत था। जब उस खेत का अनाज पकने लगा तो वह किसान मचान बनाकर खेत की रखवाली करने लगा। एक दिन वह नदी के किनारे दिशा फेरने को गया, वहां उसको लालों में भरी हुई हंडिया मिल गई। किसानों ने समझा यह सब पत्थर हैं, उनको उठाकर मचान पर रख दिया। जब जब पक्षी खेत में आए तब तब वह एक लाल उठाकर मारे, उससे पक्षी उड़ जाए और लाल नदी में जा गिरे। इसी प्रकार एक एक करके सभी लाल उसने फेंक दिए। केवल एक लाल जिससे उसका लड़का खेलता था बच गया। सायंकाल को स्त्री लड़के को लेकर घर चली गई। घर में नमक न था। स्त्री बड़े लाल लेकर नमक लेने बाजार गई। एक बनिए से कहा, हमको इस पत्थर के बदले में थोड़ा सा नमक दे दो। देवयोग से वहीं एक जोहरी खड़ा था। उसने लाल लेकर एक पैसे का नमक स्त्री को दिलवा दिया और कहा, कल तुमको इस पत्थर का दाम मिल जाएगा। दूसरे दिन जोहरी ने 1,00,000 रुपया किसान के घर बेच दिया। किसान की स्त्री ने कुछ रुपए से मकान बनवाया, कुछ जमा कर रखा। एक दिन स्त्री ने खेत पर जाकर अपने पति से कहा, आपको यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, आज घर पर चलिए। जब किसान गांव में गया तो अपनी झोपड़ी की जगह पर महल बना पाया। स्त्री महल की ओर बढ़ी। किसान ने कहा, अरे वहां कहां जाती हो, यह तो किसी महाजन की कोठी है, नौकर धक्के देकर निकाल देंगे। स्त्री ने कहा, स्वामी यह महाजन की कोठी नहीं है, यह तो आपका ही मकान है। एक लाल जो फेंकने से बच गया था उसी के दाम से यह सब बात की बात में बन गया है और अभी बहुत कुछ जमा भी है। किसान पश्चाताप करने लगा, हाय इसी प्रकार के मेरे पास असंख्य रत्न थे परंतु मैंने उनको पत्थर समझकर चिड़ियों को उड़ाने में ही फेंक दिए। स्त्री ने पति को समझाया, नाथ जो खो गया वो तो अब मिल नहीं सकता, जो बच गया है उसी को अच्छे काम में लगाइए, उन्हें सत्कर्म में व्यय करना उचित है। इसका दृष्टांत यूं है कि इस शरीर रूपी हांडी में श्वास रूपी लाल भरे पड़े हैं। जीवात्मा यानी मनुष्य उन लालों को विषय रूपी पक्षियों के उड़ाने में यानी विषय भोगने में व्यर्थ तो फेंकता जा रहा है। जितने लाल खो गए वह तो फिर मिलने के नहीं, हाँ जो अभी बच गए हैं उन्हें सत्कर्म में व्यय करना उचित है। तुलसी विलंब न कीजिए, बजी लीजिए रघुवीर, तन तर्कस ते जात है श्वास सारसों तीर।